So, ये देखिए, अभी आया था कंबल बेचने के लिए, ब्लैंकेट तो पसंद कर रहे हैं, कौन सा सही रहेगा। यहाँ पे बिका है पांच, सारे अगल बगल के लोग लिए। और ये गरम वाला बेडशीट, एक ये ब्लैंकेट, एक ये बेडशीट, और सबको बेड पे डाल डाल के देख रहे कैसा लग रहा है। और एक ये बेडशीट लिए, ये पूरा जब बेड पे लगाएंगे फिर दिखाएंगे कैसा लगता है। अच्छा लग रहा है, घर के पास भी अच्छे रिजनेबल रेट में मिल जाता है। ऐसे बाहर अभी सब बैठे हुए थे, बस आया बेचने। कंबल कितना बड़ा है? कुटी में आगे नहीं आएगा? आ जाएगा, रख के देख लीजिए पहले। तो ये बड़ा वाला टब फूट गया था, इसमें जूही का पेड़ लगवा रहे हैं क्योंकि गमले में ये सख्त हो गया था, और ये फैलने वाला पेड़ है, और ये मिट्टी का कढ़ा ये भी फूट गया था तो इसमें भी लगवा दिए पेड़। और स्नेक प्लांट काफी ज्यादा ही हो गया था तो सबको अलग अलग करवा के गमले में करवाए। तो आज यही काम हो रहा था, घर में थे तो बस गमला चेंज करवाने लगे इनसे। ये देखो, उधर लंबा है। स्कूल से आते के साथ बेडशीट लगा ली ठीक है, लिए थे अपने बेड के लिए, और लग गया यहाँ पे। हटो हटो ना, कंबल ये टैडी वाला, और ये, इसके अगर कोई भी हरकत होगी तो पता चल जाएगा। और ये रहा ब्लैंकेट, जो ये कि ये सारे भी सेम ही है चारों तरफ, खुल हाँ, चारों तरफ खुलने के बाद कुछ सेम ऐसा डिजाइन है इसका। अच्छा है है। ना कलर? उसमें कंघी लगे वो हो जाएगा, उसमें लगेगा। स्केल से करो, अच्छा खरीदाया है। कभी कभी गली में भी अच्छा सामान आता है। यही तो जाओ ना मॉल में लेने। वैसे ये ठीक है, ये भी सही है। हाँ, हम लोग इसमें पंखा नहीं चलाते, चलाते हैं तो क्या चलाती है? अब तीन पे चलाएंगे। अभी हो रही रात के खाने की तैयारी, जिसके लिए दोनों तरफ कढ़ाई पे चढ़ चुका है। उधर की साइड में लोहे वाले कढ़ाई में देख सकते हैं प्याज छौंका हुआ है, जिसमें मटर फ्राई होगा। और इधर तेल डाल चुकी हूँ मैं कढ़ाई में, हरी मिर्च और प्याज, इसमें बनाएंगे मूली के पत्ते का साग। तो आज बना रही हूँ रात के खाने मूली के पत्ते का साग और मटर फ्राई, और साथ में रोटी। तो बस ये साग के लिए प्याज इधर मैं छौंक चुकी हूँ, बस इसको थोड़ा सा भूनूंगी। और दूसरी तरफ देख सकते हैं इधर का प्याज हो गया है गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा कम ही है। और अभी जो अभी के सीजन में जो मटर आता है ना, अभी नया नया जो मटर आता है उसको बस सिंपल सा फ्राई करके खाने में भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे सिंपल सा इसको फ्राई करूँगी, प्याज और थोड़ा बहुत मसाला डाल के, और इसको करेंगे फ्राई। अभी इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, बस हल्का ही मसाला डालना है, ज़्यादा नहीं। और साथ में नमक डालकर और इसको कर लेंगे फ्राई। 10 मिनट में बन कर ये हो जाता है तैयार, और अच्छा लगता है खाने में। मीठा मीठा मटर भी आता है ना, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस 10 मिनट में भून कर हो जाएगा ये रेडी खाने के लिए, और इसको ऐसे भी खाते हैं तो अच्छा लगता है, और बाकी रोटी पराठा के साथ भी। और इधर दूसरी तरफ हो गया साग भी मेरा लगभग, सॉरी प्याज भी मेरा लगभग भून चुका है, और इसमें अभी डालेंगे साग।
जो कि काट कर धोकर रखे हुए थे पानी निकालने के लिए। साग वही मूली का पत्ता का साग मटर तो यहाँ पे मटर भी हो चुका है। लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करके और गैस को कर देंगे ऑफ। बस ये हो गया रेडी बनकर। और दूसरी तरफ साग भी लगभग होने वाला है। साग में कुछ नहीं, बस प्याज हरी मिर्च का फ़ौरन और नमक डाले हैं, बस इतना ही डाल के और इसको छोड़ देते हैं, जो कि अपने हाथ से जो पानी छोड़ता है ना उससे ही बन के तैयार होता है। दूसरी साइड बना रही हूँ मैं रोटी। साग भी हो चुका है, पानी जिसका सूख गया है इसको अच्छे से मैश कर देंगे और बस बन के हो जाएगा ये तैयार। सो फ्रेंड्स, खाना बनकर हो गया रेडी। देख सकते हैं आज रात के खाने में है रोटी, मूली के पत्ते का साग, मूली और मटर फ्राई। तो बस आज यही छोटा सा वीडियो बनाई हूँ मैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।